आसू जिला समिति की ओर से जमशेदपुर लोकसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डिमना लेक के समीप किया गया। इस सम्मेलन में जमशेदपुर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को प्रचंड जीत दिलाने का आह्वान किया गया। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार और महागठबंधन के लोगों की चाल और चरित्र धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये लोग सरकार के 5 वर्ष पूरे होने को हैं और अब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना पाए हैं। और बात करते हैं कि केंद्र सरकार की योजना धरातल पर नहीं उतारने देती है, बल्कि ऐसा नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो इन्हें लूट की छूट चाहिए और इसके लिए महागठबंधन वाले उलगुलान रैली कर रहे हैं। उलगुलान का मतलब क्रांति है और ऐसी क्रांति हुई कि आपस में किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों की हालत ऐसी है कि जमशेदपुर के लोकसभा प्रत्याशी विद्युत दा के सामने कोई अभी तक प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा 400 पार है, लेकिन जमशेदपुर का नारा होगा विद्युत दा 4 लाख से पार। जीत सुनिश्चित हो इसके लिए आंसू पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना है। गठबंधन या गांठ बांधना जो चाहते हैं, खासकर विपक्षी दल, पहले यूपीए नाम था, अब नए नाम में आ गए। नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता है, चरित्र वही है। इन बेमेल ये पूरा संबंध है। केवल मोदी जी को रोकने के लिए केवल सभी दल एक जगह खड़ा हो रहे हैं। देश के साथ या देश के लोगों के साथ इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, देश के लिए कोई संकल्प नहीं और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। इससे चुनाव के आप नज़दीक जाएंगे, चरित्र और इस तरह इनका दिखेगा, असली चरित्र में आएंगे। वर्तमान सरकार से निराश हताश लोग, अब का विश्वास पुनर्स्थापित हो रहा है। अब हमारा दायित्व है कि उन्हें एक जगह संजो कर ऐतिहासिक जीत जो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा बनता है, हमारा 14 लोकसभा जीत का लक्ष्य है और हम सब मिलकर इसको पूरा करें। जितना पार्टी के पास कोई स्पष्ट, मैंने कहा कि कैंडिडेट है ही नहीं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो जुझारू हमारे नेता हैं, जिस नेता ने 10 साल तक इस जमशेदपुर को सींचा है, हाउस के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा बोलते हुए इनको देखा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनका हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर कई स्तर पर मैंने अखबारों में देखा कि इन्हें सम्मानित किया गया। मेरे विद्युद्धा आंदोलनकारी नेता है और आंदोलनकारी नेता का एक राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ जाना और राज्य के और इस स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट करने का जो इनका तरीका है, ये बहुत ही अच्छा है और जमशेदपुर की जनता पिछले बार से बड़ी जीत देने की तैयारी करेगी और एनडीए हमारे कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से इस प्रयास में दिन रात एक करेंगे। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सांसद सह प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने बताया कि आंसू पार्टी एनडीए की हमेशा सहयोगी रही है और इनके सहयोग से देश के संसद में 10 वर्षों तक रहने और जमशेदपुर में सेवा करने का अवसर मिला है। इस बार भी आंसू के सहयोग से अपार जन समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि आंसू हमेशा एक भाई के रूप में सहयोग की भूमिका में रहेगी। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आज देखिए जिस तरह हमारा छोटा भाई और केंद्रीय अध्यक्ष आंसू के सुरेश बाबू ने वृहद रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन किए, इसमें गाँव के प्रधान और जिला जो है जो प्रधान ने सारे लोगों को बुलाकर यह एनडीए प्रत्याशी के बृहद जीत के लिए आज यहाँ संकल्प लिया गया और सभी कार्यकर्ता काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन दोनों साथ में हम लोग लड़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े हैं और अच्छा इसका नतीजा भी देखने को मिला। इस बार भी सारे कमर कस के हम लोग रेडी हैं। इधर मोदी जी का 400 पार है और सुदेश भाई ने कहा कि इस बार डिफरेंस भी जो है, डिफरेंस जो रहेगा भी 4 लाख पार रहेगा तो बेहतर होगा, इसी के लिए कार्यकर्ता। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।